नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे LIC के एन्युटी प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको मिलता है 14.5% का रिटर्न। जी हां, एन्युटी मिलती है 14.5% के हिसाब से। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं LIC के न्यू जीवन शांति प्लान के बारे में जिसके अंदर आपको डेफरमेंट का ऑप्शन मिलता है 1 साल से लेकर 12 साल तक। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, ये मार्केट लिंक प्लान नहीं है। जितना भी आपको रिटर्न बताया जाएगा वो आपके बॉन्ड के ऊपर लिख के दिया जाएगा जो कि आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। मार्केट चाहे बिल्कुल भी क्रैश हो जाएगी तब भी आपको उतने ही परसेंट रिटर्न मिलनी है, मतलब 14.5% तो 14.5% ही मिलेगी। दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है इस प्लान का कि इसके अंदर आप सिंगल लाइफ के अलावा ज्वाइंट लाइफ के लिए भी प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को 3D प्लान भी बोला जाता है कि थर्ड जनरेशन प्लान। आपने अपने लिए तो लिया ज्वाइंट लाइफ में, आपके बाद आपने अपनी बेटी को दिया जो पेंशन मिल रही है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके जो ग्रैंड चाइल्ड है उनको जो आपका परचेज प्राइस है वो मिलेगा। इन सब चीजों को हम समझेंगे बेसिक डिटेल वाले एरिया के अंदर और साथ में समझेंगे एग्जांपल वाले एरिया के अंदर कि मैं ये सारी बातें क्या कर रहा हूं, जिससे कि आपको जीवन शांति प्लान अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप 14.5% रिटर्न भी आज के समय में 2023 में ही बुक कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। बाकी अब इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे कि कौन ले सकता है इस प्लान को, कैसे ले सकते हैं इस प्लान को और क्या है इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे ले सकते हैं इस प्लान को। इस प्लान को लेने के 2 ऑप्शन है, आप या तो ऑनलाइन जा सकते हैं, दूसरा आप किसी भी नियर बाय LIC एजेंट से मिल सकते हैं, उनके थ्रू इस प्लान को ले सकते हैं। अब इसको कौन ले सकता है, मतलब क्राइटेरिया क्या है, इसको समझेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाकर और वहीं समझेंगे इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कंप्लीट डिटेल जीवन शांति प्लान की। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसमें बेसिक डिटेल्स में हम काफी चीजें तो पहले समझ ही चुके हैं वीडियो के अंदर, जैसे कि प्लान का नाम है जीवन शांति, टेबल नंबर है 858 इसका। इसका अगर प्लान टाइप बोला जाए तो डेफर्ड एन्युटी प्लान है जो कि सिंगल और ज्वाइंट लाइफ दोनों पर ले सकते हैं। डेफर का मतलब होता है कि आप इसको इमीडिएट प्लान नहीं ले सकते, इमीडिएट एन्युटी चाहिए आपको, आज पैसा डाला और आपको तुरंत पेंशन मिलनी चालू हो जाए तो इस तरह का प्लान नहीं है। इसमें आपको डेफरमेंट का ऑप्शन मिलता है, उसमें से आपको चूज करना होता है। इसमें जो सम इंश्योर्ड रखा गया मिनिमम 1.5 लाख रुपए है और अगर NPS सब्सक्राइबर है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्टेड है या आप हैंडीकैप है तो उस केस के अंदर आपके लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड रखा गया 50,000 रुपये रखा गया है, अदरवाइज मिनिमम सम इंश्योर्ड 1.5 लाख रुपए है। वहीं पे मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका बजट है, जितना पैसा है, जितना आप पेंशन चाहते हैं उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीमियम जो टर्म है वो सिंगल टाइम प्रीमियम है इसमें और एज क्राइटेरिया मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है 79 ईयर्स है। अगर आप ज्वाइंट लाइफ ले रहे हैं तब भी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है उसके अंदर। वहीं पे ज्वाइंट लाइफ के अंदर आप जिस किस किस को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए आप अपनी वाइफ को, स्पाउस को, चाइल्ड को, सिबलिंग्स हैं आपके, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड चाइल्ड है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। बट यस, इसके अंदर जो आपका एज क्राइटेरिया मिनिमम का और मैक्सिमम का इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ की मिनिमम एज, जैसे मैंने बताया 30 ईयर्स है, मिनिमम जो वेस्टेड एज है वो 31 ईयर्स है। वेस्टेड एज का मतलब क्या होगा कि आपको जो एन्युटी मिलनी स्टार्ट होगी वो कितनी एज से स्टार्ट होगी। वहीं पे जो मैक्सिमम वेस्टेड एज है वो 80 ईयर्स रखी गई है। अब बात करते हैं डेफरमेंट पीरियड की। डेफरमेंट पीरियड सिंगल लाइफ में 1 साल है और ज्वाइंट लाइफ में भी 1 साल है। वहीं पे जो मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड रखा गया वो मैक्सिमम सिंगल लाइफ में 12 साल है और ज्वाइंट लाइफ में 10 साल है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले आपको लॉन्ग टर्म में तो आप उस केस के अंदर सिंगल लाइफ में 12 साल का भी डेफरमेंट चूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो गारंटीड रिटर्न है वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगी और आपको वो मिलती रहेगी। वहीं पे जो मिनिमम एन्युटी पेंशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मंथली आए, क्वार्टरली आए, हाफ ईयरली आए या ईयरली आए, अगर मंथली आएगा तो मिनिमम 1,000 रुपये होनी चाहिए एन्युटी, क्वार्टरली मिनिमम 3,000 रुपये, इसी तरीके से ईयरली मिनिमम 12,000 रुपीज। मैक्सिमम एन्युटी पेंशन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी ले सकते हैं। वहीं पे मोड ऑफ पेंशन जो अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एन्युटी के 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, बट इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, वो आगे हम एग्जांपल के अंदर समझ लेंगे इसको। बात करें मैच्योरिटी की, तो इस प्लान के अंदर जैसे कि ये एन्युटी प्लान है, मतलब पेंशन प्लान है, तो इसके अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है। जी हाँ, बट इसके अंदर सर्वाइवल एज एन आपको पेंशन मिलती है और साथ में डेथ बेनिफिट जो है नॉमिनी को मिलता है। अगर सरेंडर की बात करी जाए तो सरेंडर अवेलेबल है एनी टाइम। और वहीं पे बात करते हैं लोन की, तो लोन आप 3 महीने बाद ले सकते हैं, पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अंडर ATC, उसके अंदर रिबेट तो मिलता ही है, बट जो पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल रहेगी एज पर इनकम टैक्स रूल्स। बट वहीं पर डेथ बेनिफिट है वो टैक्स फ्री रहते हैं आपको। अब बात करते हैं डेथ के जो बेनिफिट है वो किस तरीके से है। एक डेथ होती है कि आप पॉलिसी आपने ली, आपने पेंशन के लिए प्लान किया, आपने डेफरमेंट ले लिया 12 साल का। अब 12 साल के बीच में आपकी डेथ हो गई, मतलब 10वें साल या 9वें साल एनुएटेंट की डेथ हो गई, तो उस केस के अंदर अगर सिंगल लाइफ है तो सिंगल लाइफ के केस में नॉमिनी को जो भी परचेज प्राइस है उसके साथ में जितने साल का जो आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसको जोड़ के पैसे दे दिए जाएंगे जो नॉमिनी है उनको। वहीं पे जॉइंट लाइफ है, जॉइंट लाइफ में सेकंड एनुएटेंट जो होंगे, जो सेकंड पर्सन जिनको आपने चुनाव कर रखा है जिनका, उनको पेंशन मिलने चालू हो जाएगी डेफरमेंट कंप्लीट होते ही। और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद, मतलब जो सेकंड एनुएटेंट है उसकी लाइफ कंप्लीट होने के बाद, जो नॉमिनी है उनको परचेज प्राइस वापस कर दिया जाता है। दूसरा केस होता है कि डेफरमेंट कंप्लीट हो गया, मतलब 12 साल पूरे हो गए, कुछ समय के लिए उन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल पेंशन भी ले लिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा, सिंगल लाइफ का केस होगा, तो उस केस के अंदर जो भी आपका परचेज प्राइस है प्लस जो आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसमें से लेस कर दिया जाएगा कितना आपको पेंशन मिल गई है, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो दे दिया जाएगा नॉमिनी को। इन केस ऑफ ज्वाइंट लाइफ जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, पहले सेकंड एनुएटेंट को पेंशन मिलेगी और उसके बाद सेकंड एनुएटेंट की जब लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो उनको परचेज प्राइस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट के ऑप्शंस 3 अवेलेबल है। लमसम डेथ बेनिफिट, जैसे ही आप चाहते हैं कि जो भी जब भी मेरी डेथ हो तो पूरा जो लमसम अमाउंट है विद इंटरेस्ट मेरे नॉमिनी को दे दिया जाए तो वो मिल जाएगा उनको। एन्युटी चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्वाइंट लाइफ का चुनाव करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का। आप जब पॉलिसी का बॉन्ड भरते हैं तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं कि आपकी जो डेथ बेनिफिट है वो 5 साल 10 साल 15 साल के बीच में इनको मिलता रहे, लमसम इकट्ठा ना मिले उनको। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ आएगा। एग्जाम्पल में हमने सिंगल लाइफ लिए जिसके अंदर पर्सन की एज है 50 साल, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 लाख रुपए। तो उस केस के अंदर जो डेफरमेंट पीरियड अगर वो 12 साल का चुनाव करते हैं तो उनको ईयरली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 14.32%, मतलब 14.5% के आसपास उनको रिटर्न मिलेगा, मतलब 1,43,200 रुपये पेंशन मिलेगी ईयरली। बट वहीं पे अगर वो चुनाव करते हैं मंथली पेंशन का कि मेरे को मंथली पेंशन मिलती रहे, तो उसके अंदर जो रिटर्न है उनका 14.32% से 13.75% रह जाएगा, मतलब 11,456 रुपये ही उनको मंथली मिलेगी। वहीं पे दूसरे साल अगर 11 साल का डेफरमेंट चूज करते हैं तो उसके अंदर 13.52% है और वहीं 12.98%। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं, देखिए 5 साल के अंदर चुनाव करते हैं तो तकरीबन 9.5% आपको मिल रहा है, और वहीं पे अगर आप 1 साल का चुनाव करते हैं तो आपको जो डेफरमेंट के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 6.9%। जो भी आपको इंटरेस्ट रेट बताया जा रहा है जब आप डेफरमेंट का चुनाव करते हैं तो आपके बॉन्ड के ऊपर बड़ा क्लियर लिख के आएगा कि आपको कितनी पेंशन और कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। प्लान आगे चेंज होता है तब भी उसके बाद भी आपके बॉन्ड पर जो लिखा है आपको वही मिलता रहेगा। साथ में जब भी पॉलिसी, मतलब जो एनुएटेंट है उनकी लाइफ कंप्लीट होगी तो उस समय जो परचेज प्राइस है वो और साथ में जो इंटरेस्ट बैलेंस जो इंटरेस्ट होगा वो उनको दे दिया जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ का। ज्वाइंट लाइफ में हमने लिया है एक फादर है जिनकी एज है 50 ईयर्स, उनकी बेटी का एज है 30 ईयर्स, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी पेंशन के लिए एन्युटी के लिए, बट साथ में चाहते हैं कि जब भी मेरी लाइफ पूरी हो तो मेरी बेटी को मेरे नाम से पेंशन मिलती रहे जिससे मैं उनको लाइफ टाइम मेरा जो पैसा है उसको मिलता रहे एज ए गिफ्ट उसके बर्थडे पे या जो भी व्हाटएवर डेट इट इज, और उसके साथ में मेरी जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको भी मेरे नाम से कुछ पैसा एज ए गिफ्ट मिल जाए। तो उस केस के अंदर इन्होंने जो प्लान करा है 10 लाख रुपए देते हैं 10 साल के लिए। तो जैसे मैंने बताया था डेफरमेंट अगर ज्वाइंट लाइफ का होता है तो मैक्सिमम जो डेफरमेंट पीरियड है 10 साल है, 12 साल नहीं ले सकते हैं। तो 10 साल के अंदर आपको जो ईयरली रिटर्न मिल रहा है वो 10.7% मिल रहा है, मतलब 10 लाख रुपए देके आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलना चालू होगा लाइफ टाइम। पहले मिलेगा फादर को, फादर की एज 50 साल है, फादर की एज के हिसाब से फादर को मिलना चालू होगा 1,07,000 रुपए ईयरली। उसके बाद जैसे ही फादर की एज कंप्लीट होगी, फादर की लाइफ कंप्लीट होगी, उसके बाद डॉटर को, जब तक डॉटर की लाइफ है उसको हर साल उसको मिलता रहेगा ईयरली 1,07,000 रुपए, और जब डॉटर की लाइफ पूरी होगी तो उस समय जो आपका परचेज प्राइस है वो पूरा का पूरा आपकी ग्रैंड डॉटर को दे दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, फादर ने बच्चे को दिया और उसके साथ में ग्रैंड डॉटर को एक गिफ्ट कर दिया। अब इसी तरह से डेफरमेंट को कम करते हैं तो 9 साल पे देखिए 1,02,000 रुपए, 8 साल पे 96,000 रुपए, और इसी तरीके से अगर 1 साल के बाद ही डेफरमेंट चाहिए तो 68,000 रुपए, मतलब 6.80% का रिटर्न मिल जाता है। और वहीं पे मंथली में देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो यह है कंप्लीट एग्जाम्पल जिसमें आके हमारी जीवन शांति की प्रेजेंटेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि जीवन शांति प्लान का क्या है एग्जाम्पल, क्या है बेसिक डिटेल,
मतलब कौन ले सकता है इस प्लान को, कैसे ले सकते हैं इस प्लान को, 14.5% रिटर्न कैसे मिल सकती है, और अगर थर्ड जनरेशन मतलब अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी गिफ्ट करना है या जिंदगी भर अमर होना है, मतलब अमर होने का मतलब समझे आप कि जब तक आप जीवित हैं उसके बाद आपके बच्चे का जब भी बर्थडे आएगा तो उसको हर बर्थडे पे आपकी तरफ से एक अमाउंट मिलता रहेगा। तीसरा, जब आपके बच्चे की भी लाइफ पूरी होगी तो उसके बाद आपके ग्रैंड चाइल्ड को भी एक लमसम अमाउंट जो आपने इस समय दे रखा है वो उस समय उसको मिल जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा प्लान है, थर्ड जनरेशन प्लान जिसको बोलते हैं, और आपके लिए 14.5% पे बुक करना ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो सोचिए आप कितना बेस्ट प्लान लेने की सोच रहे हैं। बाकी अगर आपकी कोई फीडबैक हो या क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करिए, जिसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे। बाकी अगर कोई क्वेरी है या कोई और प्लान के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो जरूर कमेंट करें। अगर आपको कोई फीडबैक भी है, कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक है, तो जरूर आपके फीडबैक का हमेशा वेलकम रहेगा और हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। अंत में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारी जैसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।